हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग क्लास। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं किड्स फेवरेट रेसिपी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किड्स को पसंद है, ज़्यादातर हम लोग को भी पसंद है, और हम लोग जितना भी वो बनाते हैं घर में हमेशा कम ही पड़ता है। तो आज हम लोग का डिश का नाम है पोटैटो चिप्स विद लेस ऑयल। आइए, उसके लिए हम लोग को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत होता है हम लोग पर देख लेते हैं। पहले तो हम लोग को लगेगा 2 मीडियम साइज पोटैटोस, साथ में मैंने लिया है सॉल्ट, ये नॉर्मल सॉल्ट है, चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और ऑयल। आप और एक ऑप्शनल है कि आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो, वो अपने स्वाद के हिसाब से वो ऑप्शनल है। अभी आइए हम इसको, पहले आलू को अच्छे से तरीके से मैंने धो लिया है, अभी इसको हम लोग स्लाइसिंग कर लेते हैं। ये जो मेरा पोटैटोस था मैंने वो अच्छी तरीके से धोया, लेकिन इसका जो स्किन है मैंने पील नहीं किया है, स्किन के साथ ही मैंने इसको स्लाइस किया है। आप देख सकते हैं एकदम थीन स्लाइस किया है, और उसको मैंने पानी में भिगो के रखा थोड़ा देर। मैंने 3 times पानी को चेंज किया, उसके बाद सारा जो स्टार्च है पोटैटो का सारा निकाल लिया। उसके बाद मैंने एक टॉवल में इसको ड्राई होने के लिए दिया। अभी देख सकते हैं ये पोटैटो पूरा ड्राई है, एक ड्रॉप भी पानी नहीं है। अभी आइए इसमें हम लोग मसाला डालते हैं। मसाला के लिए पहले तो हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लें। अभी इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, सारा मसाला इसमें लग गया है। अभी हम इसको प्लेट में जो हम लोग का टर्न टेबल है वहां पे रखेंगे थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके। आइए वो भी प्रोसेस हम लोग देख लेते। अभी मैंने इसको जो रेडी किया था, अभी यहाँ पे मैं ये जो टर्न टेबल है मैं वही टर्न टेबल को यूज करूंगी ये इसको बनाने के लिए। अभी मैं इस टर्न टेबल को एकदम ऑयल, मतलब मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑयल, बस इतना ही ऑयल। नॉर्मली हम लोग जो पोटैटो चिप्स घर में बनाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारा ऑयल में हम उसको डीप फ्राई करते हैं। वो है कि बच्चा को तो पसंद आता है वो, लेकिन हेल्दी कभी भी नहीं है वो। इसलिए हम लोग इसमें क्या किया, एकदम 3 drops ऑयल लिया मैंने, और उसको अच्छे से मैं उसको स्प्रेड कर दूंगी थ्रू ऑयल ब्रश। इसको मैंने ऑयल ब्रशिंग कर लिया है। अभी मैं इसको जो मेरा पोटैटो है वो मैं एक एक करके यहाँ पे प्लेट पे डाल दूंगी। अभी हम लोग ने इसमें पूरा प्लेट में हम लोग ने दे दिया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी चिप्स को ओवरलैप मत कीजिएगा, एक एक चिप्स इंडिविजुअली रखिएगा, नहीं तो क्या ओवरलैप होने से वो जो क्रिस्पीनेस रहता है चिप्स का वो चला जाता है। आइए अभी हम लोग इसको ओवन में डालते हैं। दोस्तों मैंने ये टर्न टेबल जो था ओवन में डाल दिया है, मैंने स्विच ऑन कर दिया है पावर को। अभी हम इसको माइक्रो मोड 100% पावर में 3 minutes के लिए कुक करेंगे, लेकिन हाफ टाइम होने पर हम अपना चिप्स जो है उसको एक बार टर्न कर लेंगे। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों अभी हम लोग का चिप्स रेडी है, लेकिन वो थोड़ा प्रॉपर क्रिस्पीनेस के लिए हम अपना जो चिप्स है उसको हम लोग 5 minutes का स्टैंडिंग टाइम देंगे। 5 minutes के बाद हम लोग को निकाल के प्लेट में रख सकते हैं। दोस्तों मैंने ये हम लोग का जो पोटैटो चिप्स है तो मैंने निकाल लिया है। जैसे कि आप इसका आवाज़ से आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कितना क्रिस्पी हो रहा है, फिर मैं एक को तोड़ के आपको दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट, वो आपका एकदम पैकेट जैसा। बनाइए किड्स के साथ इस लॉकडाउन में, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।